एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो मैं हूँ स्वाति। आज है सैटरडे और सच्ची बताओ तो आज मुझे बिल्कुल भी ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा है। हमारा एक्चुअली मंडे टू सैटरडे ऑफिस होता है और आज के दिन इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना। अभी मैं थोड़ा देर पहले उठी हूँ 8:40 के लगभग में, एंड बिलीव नहीं करोगे मेरा जो टाइम है, इतना लेट अगर मैं उठूँगी तो कैसे काम चलेगा। ऑलमोस्ट काम कर लिए हैं और खाना भी चढ़ा दिया है। खाना तो मेरे रेडी होते होते तक हो जाएगा। मुझे नहाना है, रेडी होना है और निकलना होगा फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा आज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है, चौहान जी के साथ भी ऐसा है। चौहान जी का भी आज मन नहीं हो रहा है, लेकिन वो अभी देखो सो रहे हैं वहाँ पे बेड पे, तो अभी वो सो रहे हैं। उनको भी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो आज हम लोग को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा जो ड्यूटी है वो मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए था, ताकि हम लोग दो दिन रेस्ट कर पाए तो अच्छे से रेस्ट कर पाएंगे। और मैंने खाना मतलब कुकर भी सीटी मार लिया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे स्कूल है और अभी बच्चे लोग ना पीटी कर रहे हैं। मैं आपको और देखो वेदर, अभी थोड़ा देर पहले ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी और बारिश भी हुई है, पूरी रात ना बारिश हुई है। अभी धूप उगना शुरू हो चुका है, पता नहीं आज लगता है धूप ही उगेगा, आज बारिश नहीं होगी या हो भी सकती है, भगवान का कोई भरोसा नहीं। कभी भी मतलब अपना मूड चेंज कर सकते हैं, वेदर चेंज कर सकते हैं। गाइस शाम हो चुकी है एंड सुबह में मैं बहुत हड़बड़ में थी, इसलिए ऑफिस के लिए निकल गई थी तो कुछ भी आगे का नहीं दिखा पाई। और अभी आई हूँ खेतान, मैं अपने काम से नहीं आई हूँ, मैं दिखाती हूँ किसके काम से आई हूँ। चलो इधर आ तुम, किसके काम से आई हूँ? हेलो, इसके लिए काम से आई हूँ। तो हम लोग सब एक ही ऑफिस में वर्क करते हैं। चलिए आप लोग भी शैतान घुमाते हैं, आप लोग को भी शैतान घुमाएगी, पक्का घुमाओगे ना। इसको कुछ सामान खरीदना है, ये अभी न्यूली ब्राइड है, सो अभी इसको ससुराल जाना है तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है। तो इसी के लिए बस शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग खेतान का भी टूर कराएंगे। और क्या क्या ले रही है आप लोग इस ब्लॉग में, आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ों देखने को मिलेगी। वाह पीपी वाह, क्या ब्लॉगिंग कर रही है। सो गाइस अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग, अंदर जाके फिर आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या हम लोग खरीदने वाले हैं और क्या खेतान में क्या क्या है। तो गाइस क्या हम लोग खेतान में जाएंगे, अभी इसको यहाँ पे देख के कवर का याद आ गया कि मोबाइल का कवर लेते हैं। ब्लैक तो तुम यूज़ नहीं करोगी? ये ब्लैक यूज़ नहीं कर रही, अभी सवा साल तक यूज़ नहीं करेगी कुछ भी। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। पिंक कलर चाहिए, पिंक कलर फेवरेट कलर है, रेड पिंक नहीं है। चलो क्या क्या है, इसका फ़ोन भी रेड है, रेड ही कलर इसको चाहिए भी, या कोई और भी कलर चलेगा लेकिन अच्छा चलेगा। हाँ, रास्ते में जो भी दुकान मिल रहा है सब जगह ये पूछते चल रही है, कहीं मिल नहीं रहा है। इसको थोड़ा सा कलरफुल चाहिए भैया, ब्लैक छोड़ के दीजिएगा। नहीं अच्छा, ब्लैक छोड़ के चाहिए। लोग कुछ खाने आए हैं तो मोमोज या बर्गर में से कोई चीज़ खाएंगे। हाँ बर्गर, बर्गर पता नहीं ठीक बना रहा है। मोमोज लो ना पहले, फिर नहीं तो मोमोज पहले खाते हैं, उसके बाद देखते हैं टेस्ट कैसा लगता है, उसके बाद देखेंगे। आप लोग को भी खाना है, जोर से बोला। तो गाइस मोमोज हमारा रेडी हो गया, ये फ्राई मोमो है। अब प्रीति आप लोगों को बता रही थी कि आप लोग भी खाना है तो आ सकते हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए, हम भी खा रहे हैं। खाओ। गांधी मैदान में मेला लगा हुआ है पर हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि उधर लेट हो जाएगा, हम लोग चले खेतान। तो गाइस ये कवर ले चुकी है बेचारी को, दिल पे पत्थर रख के कवर खरीदना पड़ा है क्योंकि ऐसा में और कोई कलर अभी नहीं है, एक ही पीस था ही भैया के पास। थैंक यू भैया। तो गाइज हम लोग पटना के खेतान मार्केट में इन कर चुके हैं और अभी थोड़ा जो भीड़ है वो कम है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होता है, अभी तो कम दिख रहा है यहाँ पे। रात का रात हो रही है ना इसी वजह से, और बारिश भी हो चुका था इसीलिए भी कह सकते हैं कि कम है।
क्योंकि कंटिन्यूस बारिश हो रही है, बस बीच बीच में रुक रही है फिर हो रही है। बहुत देर से हम लोग ये सब देख रहे हैं। प्रीति को एक्चुअली ऐसा सेट में चाहिए था, क्योंकि देखो ट्रैवल करने में ना गोल्ड कैरी करना अच्छा नहीं होता। बाहर नहीं निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा, और पहन के नहीं देखेंगे, रखिए तब। गाइज रात होने के कारण दुकान बहुत सारा बंद हो चुका है, इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट कभी भी ब्लॉग स्पेशल मैं खेतान का जरूर दूंगी, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते। और हम लोग भी बहुत हड़बड़ में हैं, घर से फ़ोन आ रहा हम लोग को जाने के लिए, तो हम लोग बहुत चीज़ नहीं खरीद पाए, थोड़ा बहुत सामान खरीदे हैं। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, हम लोग तो दिख भी नहीं रहे, और हम लोग चूड़ी वगैरह खरीदे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाए। तो अभी ये जा रही है घर, मैं भी जा रही हूँ, तो हम लोग मिलते हैं कल, नहीं परसों मिलेंगे ऑफिस में। गाइस मैं भी निकल रही हूँ घर के लिए, बहुत ज़्यादा थकान जैसा लग रहा है। आज सुबह से ही मैं बोल रही थी कि मेरे को ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, एंड अभी भी बहुत थकान लग रहा है, लग रहा है ऐसे जाके सो लूँ, पर सो तो नहीं पाऊँगी, घर के भी काम है वो करना होगा। सो अभी बस घर जा रही हूँ, घर जाने के बाद देखते कि अब क्या करना है। गाइस तो अभी मैं आई हूँ सब्जी मार्केट, तो सब्जी वगैरह खरीद लेते हैं। परवल कैसे है गाइस? तो मैं घर आ चुकी हूँ, प्रीति अपने घर जा चुकी है, और चौहान जी भी मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो हम लोग दोनों साथ में आ गए। हम लोग दोनों आ गए गाइस। सो अभी जा रहे खाना बनाने, और पता है 10 बज गए वो गाइस, टाइम हो रहे हैं 10 बज चुके हैं, अभी हम लोग घर 10 हुआ है। हाँ तो 15 मिनट है, 15 मिनट में हम लोग अपना कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे तब तो टाइम हो जाएगा। सो और आज जैसे कि सैटरडे था, तो मैंने ब्लैक सूट पहना था, देखो ब्लैक सूट पहना था, ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चौहान जी को भी अच्छा लगता है ना। वो ये ना दिन के हिसाब से कपड़ा पहनती है, कौन सा दिन का कौन सा कलर का कपड़ा पहनना चाहिए उससे ग्रह कटता है, इसलिए पहनती हूँ। हमको ये सबसे फर्क नहीं पड़ता, तो अगर मेरा अच्छा रहेगा तो आपका भी तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलता, सब अच्छा होता है, जीवन ही संघर्ष है। सो गाइस चौहान जी अभी पीड़ित हो गए हैं, क्या परिवार ही जीवन है, तो सही है। ब्लॉग में तो मैं कुछ दिखा नहीं पाई, वहाँ खेतान में बहुत ज्यादा मतलब दुकान बंद भी हो चुका था, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग खुद हड़बड़ में थे, इधर चौहान जी फ़ोन कर रहे थे मेरे को, उधर प्रीति की मम्मी फ़ोन कर रही थी जल्दी आने के लिए, बिकॉज रात हो रहा था ना इसीलिए, और टाइम भी नहीं था। आज ऑफिस से ही हम लोग बहुत लेट निकले थे, इसी वजह से दिक्कत हुआ, नहीं तो अगर हम लोग पहले निकलते ना तो हम लोग का काम हो जाता, और आप लोग को भी टूर जो है वो बहुत अच्छे से करवाती। सो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या मैंने परचेज़ किया है, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं सब्ज़ी वगैरह खरीद के आ रही हूँ, और बस खेतान से मैंने ये खरीदा है, ये हरी रंग की चूड़ी, जो कि सावन आ रहा है ना इसीलिए मैंने खरीदा है, मुझे नज़र पड़ गया तो मैं सोची कि अभी खरीद ही लेती हूँ। उधर जाना थोड़ा रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होता है, हमारे घर से भी दूर है, ऑफिस से थोड़ा नज़दीक पड़ता है, इसीलिए हम लोग चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि प्रीति भी ऑलमोस्ट यही चूड़ी और क्या बोलते हैं मेहंदी वगैरह उसको ख़रीदना था, तो वही खरीदी है, और हम लोग कुछ नहीं खरीद पाए, टाइम नहीं था इसी वजह से। और अभी मैं जा रही हूँ, खाना वगैरह बनाऊँगी, खाऊँगी और सो जाऊँगी। कल है संडे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि संडे है, कल रेस्ट कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे संडे को। सो बस कल का वेदर वगैरह भी अच्छा होना चाहिए, वो कल का कल आपको पता चलेगा, अभी तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग कर रही हूँ, और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। और एक चीज़ और है कि मनीष शर्मा जी, जो कि मेरे ब्लॉग पर कंटिन्यू आप कॉमेंट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, तो आप कंटिन्यू मुझे बस प्रेरित करते रहिए, मैं ज़रूर ब्लॉग रेगुलर बनाऊँगी। और ये एनिवर्सरी वाला जो ब्लॉग मैंने पोस्ट किया था, उस पर आपने एक कमेंट किया है कि आप पति पत्नी दोनों को एनिवर्सरी के दिन फास्ट रहना चाहिए, फास्टिंग पे रहना चाहिए। सो आपका कहना सही होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है, तो मुझे ये देखकर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने पूरा कंटिन्यू वीडियो देखा, तभी तो आपको पता चला कि हम लोग कब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी से निवेदन है कि आप ब्लॉग को पूरा देखो, कंटिन्यू करो, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कॉमेंट्स में आप करते रहो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप बस मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए।
और मैं ब्लॉग कंटिन्यू करते रहूँगी। और आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू जो भी व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। गाइस बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू ऑल।